हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेल्यूमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, टैली से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो 100% प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं सेल एंड टैक्स इनवॉइस को प्रिंट करने से पहले ध्यान देने योग्य 15+ पॉइंट, 15 से ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक सेल के इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस के ऊपर ध्यान देने होते हैं। बिकॉज जो आप परचेज चढ़ाते हो वो आपका एक इंटरनल मैटर है, मतलब वो इनवॉइस आपके पास रहता है, सामने वाले ने आपको सेल का इनवॉइस दिया, आपने एज परचेज अपने आप पे रिकॉर्ड कर लिया। बट आपका जो टैक्स इनवॉइस है, आपका जो सेल का इनवॉइस है, वो मार्केट के अंदर रोटेट होता है, वो सेल टैक्स में भी जा सकता है आपका, वो रास्ते में आपका अधिकारी को गाड़ी पकड़ता है उसके पास भी जाएगा, वो आपके बायर के पास भी जाएगा, और भी बहुत जगह पे रोटेट होगा, आपको खुद को नहीं पता होगा कहाँ कहाँ पे रोटेट होता है। तो एक सेल और टैक्स इनवॉइस के ऊपर भाई साहब आपकी रेपुटेशन छुपी होती है, तो बहुत ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक सेल और टैक्स इनवॉइस बनाने से पता लगता है कि अकाउंटेंट का लेवल क्या है, या जो टैली को ऑपरेट कर रहा है उसका लेवल क्या है, वो आधा अधूरा नौसिखिया है कि अपनी अकल का प्रयोग करते हुए सही तरीके से काम कर रहा है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं, भाई साहब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो सेल और टैक्स इनवॉइस को प्रिंट करने से पहले ध्यान देने योग्य 15 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, मैं आ गया टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर, और टैली सॉफ्टवेयर पे मैंने यहाँ पे एक सेल का बिल बना रखा है ऑलरेडी पहले से। बिकॉज बिल बनाने के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आपको पहले दे चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं बिल बनाना आपको सिखाऊँ। आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रिंट करने का है कि टैक्स इनवॉइस को प्रिंट कैसे करना है। अगर फिर भी आपको टैक्स इनवॉइस बनाने से रिलेटेड कुछ इशू है तो वो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी एक वीडियो दे दूंगा। तो सर, चलिए सर, मैं इसको करता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने की शॉर्टकट की आप सभी को पता है, कंट्रोल के साथ पी की को प्रेस करना है टैली प्राइम के अंदर, टैली ईआरपी नेम के अंदर ऑल्ट के साथ पी की को प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ पी करा सर मैंने, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेरे को, प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू को पर मैंने क्लिक कर दिया सर। ये इनवॉइस मेरे सामने प्रिंट होके आ गया है। अब इनवॉइस को हम के पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इस इनवॉइस में क्या क्या खास बात है। ये इनवॉइस मेरे सामने प्रिंट हो गया है, आप पॉइंट नोट करते जाना सर, 15 से ज़्यादा ही बैठेंगे, आप नोट कर लेना कि कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर पॉइंटों की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उन पर मैं आपको हाईलाइट भी करता हूँ, ऐसे ही आपका समय वेस्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है कि जो ऑलरेडी आप जानते हो उसको मैं बताऊँ। कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें हैं जो आप जानते भी नहीं हो उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये एक नॉर्मल सी बात है कि ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लिकल लिखना है, बट पॉइंट में आप काउंट करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट लिखा है, दूसरा कंपनी का लोगो लगा हुआ है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बोला हूँ, ये है कॉन्टैक्ट डिटेल। आप देखते हैं कि इनवॉइस के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत कम डाली जाती है, बिकॉज ये कहाँ पे इनेबल होती है, हर एक व्यक्ति इसको नहीं इनेबल करता है, कुछ लोगों को पता है तो भी इनेबल नहीं करते। बट ये ऑप्शन पहले मैं आपको पॉइंट गिनाऊंगा, देन उसके बाद उनके ऑप्शंस बताऊंगा कि कहाँ पे जाके आपको इस चीज को इनेबल करना है। तो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस एंड उसकी वेबसाइट, ठीक इसी तरीके से ये बायर का नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर उसका एंड उसकी ईमेल आईडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है सर। तो 1 2 3 4, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसमें अपने इनवॉइस पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स जरूर लिखें, अच्छा लगता है, लुक बढ़िया आता है। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ई वे बिल मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपका ई वे बिल अगर फट भी जाता है रास्ते में, किसी दौरान गाड़ी वाले से फट गया, तो भी आपका ई वे बिल अगर मेंशन है, या उससे पार्टी से भी ई वे बिल खो गया, तो वो केवल ई वे बिल नंबर डाल के वेबसाइट पे जाके उसको प्रिंट कर सकता है। तो ई वे बिल नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट आप गिनते जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मैं इनको ऐसे बता रहा हूँ आपको कि भाई मोड टर्म ऑफ पेमेंट हो गया, क्रेडिट में दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, ठीक है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर दे सकते हो, डिस्पैच थ्रू रोड है कैसे है, डेस्टिनेशन पार्टी का डेस्टिनेशन क्या है, बिल ऑफ लेडिंग या आरआर नंबर या आपका एलआर नंबर, लॉरी रिसीव नंबर वगैरह, ये हो गया, उसकी डेट हो गई एंड मोटर व्हीकल वगैरह हो गया। ये एक नॉर्मल से पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इनको नहीं मान रहा, ठीक है। सो यहाँ तक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये जो पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें दो इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीएसटी का रेट, जीएसटी का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप मल्टीपल इनवॉइसेज बनाते हो, मल्टीपल जीएसटी परसेंटेज है, और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज को ओपन नहीं करते हो, तो सर सामने वाला जो बायर है वो कैसे समझेगा कि किस परसेंट में कौन सा आइटम आया। हालांकि नीचे एक जीएसटी का एनालिसिस तो ओपन हो जाता है, बट इससे भी वो नहीं पता लगा सकता। अगर एचएसएन कोड अलग अलग है तो भी वो कंफ्यूज हो जाएगा, अगर एक ही चीज के एचएसएन कोड मल्टीपल है तो वो दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए अगर आपके मल्टीपल जीएसटी टैक्स स्लैब का अगर इनवॉइस है
तो आप जीएसटी रेट के कॉलम को जरूर इनेबल करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत इंपोर्टेंट है। बिकॉज आपने इनवॉइस भेजा पार्टी को, पार्टी इनवॉइस देख के बोलेगा, मन में अपने गाली देगा, यार किस तरीके का व्यक्ति है, इसने जीएसटी के रेट ओपन नहीं करे हैं, कुछ भी ओपन नहीं करा, तो उसको दिक्कत होगी। तो ये चीजें आप डालते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, LH185, ये क्या हो गया, मॉडल नंबर हो गया। इसके बाद मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है LG REV, ठीक है। LH195 क्या हो गया, मॉडल LG REV। LH22 क्या हो गई, LED, LG LED। ये सैमसंग का रेफ है, सैमसंग की रेफ है, सैमसंग की LED। ये इंपोर्टेंट पॉइंट क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैं इसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट मानूंगा। क्यों, बायर ने आपसे इनवॉइस लिया, बायर को पता नहीं है LH185 क्या है। अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बाहर खड़े होकर थोड़ा माल उतरवा रहा है, उसको क्या पता कि LH185 होता क्या है। रेगुलरली आता रहेगा उसे पता होगा, बट अगर रेगुलरली नहीं आता या कोई नया एम्प्लॉय उसने हायर करा, तो वो कैसे समझेगा कि LH185 क्या है। तो अगर आप अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर देते हो LH185 LG का रेफ है, LH195 LG का रेफ है, LH22 इंची LG की LED है, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, LG डालो कोई भी आइटम है, मतलब आप ब्रैकेट में उसका डिस्क्रिप्शन अगर ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, इससे बहुत आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अच्छा सर, अगर आप लोगों को पता है कि आप मेंशन कर ही देते हो, मेन इंपॉर्टेंट इस वाले पार्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर जीएसटी रेट, एंड मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मानूंगा। आप मेरी बात से एग्री है कि नहीं है जरूर लिख के बताइए, आंसर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। उसके बाद CGST SGST हमेशा दो ही लेते बनाने चाहिए, ऐसा नहीं है इनपुट आउटपुट बनाओ, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियो है। कारण केवल एक ही है कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी तीन लेजर होते हैं बस, इसका और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण कोई भी नहीं है। जीएसटी पोर्टल पर तीन लेजर हैं, CGST SGST IGST, तो आपको भी तीन ही मेंटेन करने हैं, नहीं तो आपको क्रेडिट लेजर रिकंसिलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट लगना, पता लगता है कि यहाँ एक आधे अधूरे एम्प्लॉय का काम है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट काम है आपका डेक्लेरेशन। आप हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, मराठी में लिखो, पंजाबी में लिखो, जिसमें मन है उसमें लिख सकते हो, सारे ऑप्शन में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सील एंड सिग्नेचर के ऑप्शन को जरूर इनेबल करो, क्योंकि आज के समय पे क्रेडिट अगर आपका मारा जाता है, आपकी उधारी मारी जाती है, तो सामने वाले की रिसीविंग जो है वो आपके एविडेंस के रूप में काम करती है, तो कस्टमर सील्स एंड सिग्नेचर के ऑप्शन को जरूर इनेबल करें। बैंक की डिटेल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे बैंक अकाउंट नंबर लिखा हो, ऐसा नहीं है, वो बेकार लगता है। कैसे ऑप्शन है सारे आते हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड वगैरह जरूर आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ गया, जनरल सी बात है सर, बट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, गौरव एंटरप्राइजेस 21/22/2021 दुनिया भर का उसके आगे लिख देते हैं, ऐसा नहीं, बेकार लगता है, बिल्कुल अनाड़ी अकाउंटेंट की पहचान है, ठीक है। सब्जेक्ट टू आगरा ज्यूरिडिक्शन, मतलब ज्यूरिडिक्शन जरूर ओपन करो, और यहाँ पे एक लाइन लिखी आती है, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, उसको हटा दो, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो लगभग मेरे ख्याल से 15 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, मैं वन बाय वन इनको इनेबल करता हूँ। यहाँ पे ऊपर एक चीज और बताना चाहूंगा, गौरव एंटरप्राइजेस लिखा है, कई लोग यहाँ पे कंपनी के आगे 21/22 फाइनेंशियल ईयर को ही मेंशन कर देते हैं, वो मेंशन हमें नहीं करना है। इसी तरीके से काजल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे भी देखेंगे आप तो केवल उसका पार्टी का नेम लिखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, काजल इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट लिखते हैं, तो पर्सनल के सामने आपको अकाउंट नहीं लिखना होता, उसका कारण केवल यही है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, मेरी बात से एग्री हो कि नहीं हो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ, क्योंकि फिर मोटिवेशन मिलता है, ऐसी वीडियो लाने का मन करता है। आपको पता है कि अपने चैनल पे वीडियोस कैसी आती हैं, तो ये आपका मोटिवेशन का ही क्रेडिट है सर, ठीक है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि पर्सनल नेम के आगे अकाउंट नहीं लगाना होता, उसका कारण यही है कि आप जब इनवॉइस किसी को इश्यू करते हो तो काजल इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बिल्कुल बेकार लगेगा, तो काजल इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, अकाउंट बीच में नहीं लगाना है। जनरली हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तो अकाउंट लगाते हैं, यहाँ पर मत लगाना, ठीक है। सो गौरव के आगे भी लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ईयर काजल के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये चीजें आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है। आई होप बात से आप एग्री होगी। अब मैं आपको वन बाय वन चीजों को बताना चालू करूंगा, जैसे कि लोगो है, ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेट है, यहाँ पर मैंने क्या करा है इनेबल, यहाँ पर क्या ऑप्शन इनेबल करा है, यहाँ पर क्या ऑप्शन इनेबल करा है, यहाँ पे क्या ऑप्शन इनेबल करा है, इनको सबको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं सर, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट का ऑप्शन कहाँ से आता है, ये सब चीजें कहाँ से आती है। वैसे तो आप कन्फिगर में जाके सब चीजों को इनेबल कर सकते हो, जैसे आप लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, तो यहाँ पे आपके पास आ गया तीन कॉपीज का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। आप इसको बढ़ाना चाहते हो, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना चाहते हो, तीन की जगह पांच कर लो, तो यहाँ पे लिखा आएगा, कैसे निकालेगा, ओरिजिनल निकालेगा, डुप्लीकेट निकालेगा, ट्रिप्लीकेट निकालेगा, क्वाड डुप्लीकेट निकालेगा, एक्स्ट्रा कॉपी निकालेगा। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपी कर सकते हो, बट ये ऑप्शन आपका परमानेंट नहीं रहता, तो इस ऑप्शन को आपको कहाँ से इनेबल करना है, ऑल्ट पी करना है, यहाँ पे ऑल्ट पी करना है। ऑल्ट पी करेंगे आप तो ये ऑप्शन आपका परमानेंट हो जाएगा। कॉन्फिगर्स में आएंगे आप, यहाँ पे शो मोर करेंगे, ऊपर सर्च बॉक्स में लिखेंगे कॉपीज, तो यहाँ पे आपकी कॉपीज आ जाएगी। यहाँ पूछेगा
कि सेल इनवॉइस की कितनी कॉपी निकालना चाहते हो, तो हमने बोला 3। कुछ लोग डिलीवरी नोट निकालते हैं उसकी कितनी कॉपी निकालनी है, परचेज इनवॉइस की कितनी कॉपी निकालनी है, रिसीव नोट की कितनी निकालनी है, परचेज ऑर्डर की कितनी निकालनी है, क्रेडिट नोट की कितनी निकालनी है। तो यहाँ पे आप कॉपी एक बार मेंशन कर दोगे परमानेंट हो जाएगा। देन आपके पास लोगो का ऑप्शन भी आपका यहीं से इनेबल होता है। लोगो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो लोगो आपका कहाँ पे रखा हुआ है ये आपसे पूछा जाएगा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो डेस्कटॉप पे लोगो मेरा उठा रहा है। आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करना है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जहां पर भी आपको लोगो रखा है वहां से आप उसको उठा लोगे, जहां भी आपका लोगो रखा हुआ है। जैसे मेरा लोगो कहाँ पे रखा हुआ है सर, डेस्कटॉप पे रखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप। देन मैंने लोगो लिखा, लोगो की फाइल आ गई, काम डन। ठीक है सर, इसके बाद यहीं पर आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है। मैंने 3 बताया, एक नंबर ऑफ कॉपीज, दूसरा लोगो, और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है सर, आपके पास यहीं पे आपको तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है, शो फोन नंबर एंड वेबसाइट। ये ऑप्शन आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा, शो फोन नंबर एंड वेबसाइट। ये कंपनी की डिटेल है, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो, जो इनवॉइस को इशू कर रही है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, CIN, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो मेंशन करना होता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से इनेबल करनी है। अच्छा, ये डिटेल आप यहाँ से इनेबल कर दोगे और मेंशन कहाँ पे करोगे, तो आपको सर यहाँ पे K देख रहे हो, K के नीचे सिंगल लाइन है, दैट मीन्स ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ मैंने K की को प्रेस करा, एक बार बैक आना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा नहीं तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। ऑल्ट के साथ K की को प्रेस करा, ऑल्टर का ऑप्शन मिलेगा, किसका सर, ऑल्टर का ऑप्शन मिलेगा। ऑल्टर के ऑप्शन पे एंटर की को प्रेस करा, कंपनी का नाम है गौरव एंटरप्राइजेस 2021। आप यहाँ देख रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है, गौरव एंटरप्राइजेस 2021, बट बिल के ऊपर प्रिंट होके नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। एंटर की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर कंपनी का नेम क्या है, गौरव एंटरप्राइजेस 2021, बट मेलिंग नेम में मैंने क्या करा, केवल गौरव एंटरप्राइजेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर आपको मेंशन करना है अपना मोबाइल, अपनी ईमेल आईडी, अपनी वेबसाइट का नाम। ये तीनों चीजें आप यहाँ पे मेंशन करोगे, वहां से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पिन कोड वगैरह भी मेंशन करना है वो भी मेंशन कर सकते हो, टेलीफोन नंबर, डॉट का नंबर है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मेंशन करनी है। तो हमने 4 चीजें देख ली, लोगो देख लिया, कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कैसे प्रिंट करना आपको, और साथ में नंबर ऑफ कॉपीज के ऑप्शन को हमने देखा। यहाँ पर हमने देखा कि अगर कंपनी का नेम यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस को चेंज करें और उससे आपका कंपनी का एक प्रॉपर प्रिंट होके आएगा, जिसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है सर, इसके बाद हम दोबारा से अपने इनवॉइस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो काजल इलेक्ट्रॉनिक के हो सकते हैं एक ही नाम से दो लोगो, काजल इलेक्ट्रॉनिक न्यू या ओल्ड, तो यहाँ पर न्यू करके लिखा हुआ है बट प्रिंट होके नहीं आ रहा। कारण क्या, केवल कारण ये है कि काजल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो है हमने यहाँ पर तो न्यू लिखा है, बिकॉज हमें कैसे पहचान होगी, हमारा इंटरनल मैटर है ये हमारा इंटरनल मैटर है, बट एक्सटर्नल मैटर क्या है, मेलिंग डिटेल्स। तो मेलिंग डिटेल्स में आपने क्या लिखा, काजल इलेक्ट्रॉनिक लिखा है केवल, यहाँ पर न्यू नहीं लिखा। यहाँ पर क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज मेरे को इंटरनल लेवल पे कैसे पता लगेगा जब मैं लेजर को ओपन करूंगा, इसलिए यहाँ पर लिखना ही लिखना है, मेंशन करना ही करना है। बट यहाँ पर मेलिंग डिटेल वो मेल करोगे, प्रिंट करवाओगे जो कि एक्चुअली उसका नाम है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। इस ऑप्शन को बहुत कम लोग इनेबल करते हैं। F12 की को आप प्रेस करेंगे, F12 की को प्रेस करने के बाद आप पार्टी डिटेल्स के अंदर आएंगे। पार्टी डिटेल्स में यहाँ पे आप नीचे एंटर की को प्रेस करोगे, अगेन एंटर की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये ऑप्शन को आपने यस करना है। यस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर मेंशन कर सकते हो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को। देख रहे हैं आप, कॉन्टैक्ट पर्सन है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, आप यहाँ से जाके आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने इन चीजों को इनेबल करा, इसलिए हमारा एक प्रॉपर प्रिंट होके आ रहा है। आगे चलते हैं सर, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, एक बार मैं निगाह मार लेता हूँ उनके ऊपर। मैंने प्रीव्यू पे आया, यहाँ पर मैंने आपको ओरिजिनल वाला पार्ट बता दिया, लोगो वाला पार्ट बता दिया, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपको कैसे कंपनी का प्रॉपर नेम प्रिंट करवाना है, यहाँ पे बायर की डिटेल्स एंड उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आपने कैसे प्रिंट करवाना है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं बिल टू शिप टू का कॉन्टैक्ट या कंसाइनी का नाम आना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप एक नेम प्रिंट कर सकते हो, और कब आना चाहिए वो नाम, वो आपको आने वाली क्लासेज में मैं एक बिल टू शिप टू के ऊपर वीडियो दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप देख रहे हो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स लिखा, आई होप आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ऑल्ट जी की को प्रेस करा मैंने, ऑल्टर मास्टर के अंदर आया और मेरे को वाउचर टाइप के अंदर आके सेल के वाउचर को चेंज करना है। सेल के वाउचर में आया, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। यस करोगे सर आप यहाँ पे, यस करने के बाद यहाँ पे आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स को डाल सकते हो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को आप डाल सकते हो। प्रीफिक्स का मतलब आपके इनवॉइस नंबर से पहले, सफिक्स का मतलब आपके इनवॉइस नंबर के बाद, तो ये दोनों ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो। मैंने GE एंड 2122 कर रखा है, इसलिए वो एक प्रॉपर प्रिंट होकर वहाँ पे आ रहा है।
मैं अगेन बैक आ जाता हूँ, फिर से कंट्रोल पी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे GE 2122, और आप देख रहे हो कि हमेशा ऑरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट लिखा आता है बिकॉज मैंने वहाँ पे जाके उसको इनेबल कर दिया। ईवे बिल नंबर का ऑप्शन आपको जरूर मेंशन करना है बिकॉज अगर ईवे बिल अगर खो भी जाता है तो पार्टी प्रिंट कर सके। वो कहाँ से होगा सर? प्रोवाइड GST डिटेल के अंदर आके आप यस करेंगे और यहाँ पर आप ईवे बिल नंबर को मेंशन कर दोगे। ईवे बिल नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो कि वहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है। अगर प्रिंट होके नहीं आता है आपका ईवे बिल तो आपको क्या करना है सर? कंट्रोल पी की को प्रेस करना है एंड F12 की को प्रेस करना है, ईवे बिल लिखना है तो ईवे बिल का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, आई होप ये चीज़ें आप इनेबल कर लोगे, पेमेंट टर्म्स ये कॉन्टैक्ट डिटेल, ये मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता बिकॉज ये चीज़ें आपको पता होंगी और पता पताई चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पहले से पता हो उस पर मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं पता हो तो फिर कमेंट करो, बता देंगे उसके ऊपर भी, ठीक है? चलो मैं उसमें बता दूंगा अभी थोड़ा सा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले कवर करूंगा। GST रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, GST रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर ओपन करना है। तो ये कहाँ से ओपन होगा सर? कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, GST रेट लिखो सिंपल। मैं अभी इसको यस है, इसको नो कर देता हूँ, कंट्रोल ए की को प्रेस करा, प्रीव्यू प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे GST रेट नहीं। आप देखो इनवॉइस कितना बुरा लग रहा है, मतलब सूना सूना लग रहा है। क्यों सूना सूना लग रहा है? यही नहीं पता कि आइटम पे परसेंटेज क्या है, इस आइटम पे परसेंटेज क्या है यही नहीं पता मेरे को। हालांकि नीचे डिटेल ओपन हो रही है कि 12% के आइटम कितने और 18% के आइटम कितने, बट वो फील नहीं आ रहा जो एक अच्छे अकाउंटेंट वाला फील आना चाहिए। तो यहाँ पे आप GST रेट को जरूर मेंशन करोगे, आप मेरी बात से कितने परसेंट सहमत हैं जरूर मेरे को बताएं। मैंने अगेन लिखा GST रेट, यहाँ पर याद रखना यहाँ पे YNN की प्रेस नहीं चलता, यहाँ पे YNN नहीं दबाना है, यस सुनने के लिए क्या दबाना है? एंटर को दबाना है, एंटर की को मैंने प्रेस करा, यस हो गया। अच्छा एक कमाल की और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आइटम और है, शो आइटम वाइज GST डिटेल, इसको यस कर दोगे तो और मजा आएगा पर आपका पेपर लैंडस्केप हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप यस करो, करो देख लेना आपकी रिक्वायरमेंट हो। शो आइटम वाइज GST डिटेल को मैंने यस करा, कंट्रोल ले करा तो अब आप देखेंगे तो और बढ़िया आएगा, पर जरूरी नहीं है कि आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। आप देख रहे हैं आप एक एक आइटम का जो है GST रेट पता करा सकते हैं, मतलब इस तीन पीस के ऊपर कितना GST लगा, 6% के हिसाब से कितना GST लगा, 6, मतलब हर एक आइटम का आपको यहाँ पे सेपरेट बाइफरकेशन, आपको यहाँ पे सबका अलग अलग सर यहाँ पे सेपरेट रूप में टैक्स का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन को जरूरी नहीं है कि आप इनेबल करो, अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है तभी इनेबल करेंगे, पेज आपका 2 पेज पे हो जाएगा। हालांकि आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एक बार हम ऑप्टिमाइज करके देखते हैं, ये फंक्शन भी देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज आपको लिखना है, ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन यहाँ पे प्रिंटिंग टू सेफ पेपर नो है, हम इसको यस करेंगे एंटर की से, कंट्रोल ए करेंगे सर, अगेन प्रीव्यू देखते हैं तो अब मेरा 3 पेज पे हो गया। आप देख रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है सर इनवॉइस, आप देख रहे हैं कितने पेज पे होगा, केवल एक एक पेज का हो गया, सिंगल पेज का हो गया। यहाँ पे हर एक आइटम के ऊपर कितना GST लगा है वो सारी चीज प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन है, हर एक आइटम के ऊपर कितना परसेंट GST लगा हुआ है वो सारी चीजें सर यहाँ पे मेंशन है। देन उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आइटम के आगे जरूर आप लिखें कि उसका डिस्क्रिप्शन जरूर आप मेंशन करें थोड़ा सा। तो ये कैसे मेंशन करेंगे सर? यहाँ पे आप, मैं आइटम के ऊपर आया, कंट्रोल के साथ एंटर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आइटम, कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करा, यहाँ पर मैंने नेम के ऊपर क्या लिखा सर? LG 185 के साथ मैंने एक और इन्फॉर्मेशन लगा दी, LG REF। इससे क्या हुआ सर? इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया, सामने वाले बायर की निगाह में मेरी इज्जत बन गई, उसके अकाउंटेंट की निगाह में मेरी इज्जत बन गई। वो सोच रहा होगा कि भाई बहुत अच्छा आदमी है जिसने सारी डिटेल्स को ओपन कर दिया, उसको रिकॉर्ड करने में सर आसानी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ हमारे पास डिस्पैच डिटेल आती है। आपके पास ऑप्शन अगर ये नहीं आता, आप कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्पैच डिटेल का ऑप्शन। आप यहाँ पे भी डिस्पैच डिटेल को मेंशन कर सकते हो, डिस्पैच थ्रो रोड, डेस्टिनेशन, SS ट्रांसपोर्ट, लेडिंग RR नंबर हो गया, मोटर व्हीकल नंबर हो गया, बिल्टी का डेट नंबर हो गया, ये सब यहाँ पे चीज़ें मेंशन आ जाती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें अगर आप मेंशन करना चाहते हो, जैसे ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपका मोड टर्म ऑफ पेमेंट आ गया, क्रेडिट है, टर्म ऑफ डिलीवरी अगर कुछ मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। टैली ERP9 में क्या है कि आपने अगर एक बार फंक्शन इनेबल कर दिया तो वो परमानेंट इनेबल हो जाता है। प्राइम में बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर आप परमानेंट इनेबल नहीं करना चाहते तो आप हर एक इनवॉइस के ऊपर कंट्रोल आई करके उस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे, वो ऑप्शन केवल उसी इनवॉइस के ऊपर इनेबल होगा, बाद में वापस आओगे तो वो ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, ठीक है सर? तो अगेन कंट्रोल पी को प्रेस करता हूँ और मैं देखता हूँ कुछ पॉइंट आपके रह तो नहीं गए। तो यहाँ आप देख लो, आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो मेरे को बताने थे। एक बार मैं इसको पोर्टलेट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे आइटम वाइज GST जो है इस ऑप्शन को मैं कर दूंगा नो, और GST रेट वाले ऑप्शन को मैं कर दूंगा सर यस, कंट्रोल ए की को प्रेस करा, प्रीव्यू हो गया। तो यहाँ पे मेरा हो गया ये वाला, इस तरीके से आ गया और मैंने आपको जो पॉइंट बताया था आई होप कवर कर लिया, ओरिजिनल लोगो, कॉन्टैक्ट डिटेल,
प्रीफिक्स सफिक्स, ईवेबिल नंबर, ये वाला पार्ट, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल, और यहाँ पर सर कंपनी आइटम क्या आगे उसका डिस्क्रिप्शन, और साथ में ये जीएसटी रेट, ये मैंने आपके साथ कवर कर लिया। अच्छा, इसके बाद कस्टमर सिग्नेचर एंड डेक्लेरेशन एंड जो दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस को हटाना और बैंक की डिटेल प्रॉपर कैश मेंशन करना है, तो इस पे एक एक करके आ जाते हैं। कस्टमर सिग्नेचर डिटेल के लिए कॉन्फिगर पे आओ, कस्टमर लिखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, आपने इसको यस कर दिया, डन हो जाएगा काम आपका, ठीक है। इसके बाद सर बैंक डिटेल, बैंक डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, मैंने एंटर की को प्रेस करा, आप देख लो मैंने बैंक का जो लेजर है उस पर क्या लिखा है, SBI बैंक 777, जबकि इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके क्या आ रहा है, इनवॉइस के ऊपर जो प्रिंट होके आ रहा है वो आप देख रहे होंगे सर स्टेट बैंक ऑफ आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ, वहां पे क्या लिखा था SBI, यहाँ पर पूरा नाम प्रिंट होके क्यों आ रहा है इसको देखते हैं। तो ऑल्ट जी की को प्रेस करूंगा एंड ऑल्टर मास्टर पे आके मैं आपको लेजर दिखाऊंगा बैंक का, लेजर के ऊपर आया सर SBI लिखूंगा, यहाँ पे SBI मेरे सामने ओपन हो गया, एंटर की को प्रेस करा, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया SBI बैंक, ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये चीजों को समझो आप, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, इंटरनल मैटर में मैंने लिखा है SBI बैंक 777, मेरे नाम पहचान के लिए कि भाई बैंक का जो नंबर है वो लास्ट में जो अकाउंट नंबर है वो 777 है, बट मेलिंग डिटेल में मैंने क्या लिखा है, मेलिंग डिटेल में लिखा मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, याद रखिएगा जरूर, मेलिंग डिटेल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा, काम डन हो गया सर यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बैंक डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी, तो ये हमारा वहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, ठीक है सर। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगेन दिखाता हूँ मैं आपको, फिर से आता हूँ, और यहाँ पर डेक्लेरेशन एंड सब्जेक्ट टू आगरा ज्यूडिशन और दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस को अगर हटाना है तो क्या करना होगा, सिंपली कॉन्फ़िगर पे और लिखो दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, जो वहाँ पे लिखा हुआ आता है वो ऑप्शन मैंने यहाँ से हटा दिया, इसलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मैं एक बार देखता हूँ फिर भी, हाँ जनरेटेड बाय लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे फुटर इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय यहीं पे लिखा होता है, मैंने उसको इरेज कर दिया अभी, नहीं तो यहाँ पे लिखा होता है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल है प्रीव्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से लिखा आता है, बट इसका इंप्रेशन मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो आप चाहें अगर इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो मत हटाओ, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेक्लेरेशन हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, मराठी में लिखो, आपकी इच्छा है सर। ऑल्ट जी की को प्रेस करो, ऑल्टर मास्टर के ऊपर आओ, वाउचर टाइप में आओ, सेल के वाउचर के ऊपर आओ, और यहाँ पर सर आपको मिलेगा सेट ऑल्टर डेक्लेरेशन का ऑप्शन, यहाँ पे आके आप यस की को प्रेस करोगे सर। यहाँ पे मैंने हिंदी में कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, आप भी चाहो तो तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास जो आप हिंदी में लिख सकते हो, वहाँ से हिंदी में लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दो, काम आपका डन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सारे पॉइंट कवर हुए होंगे, इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप मेरे को जरूर बताइएगा सर, बाकी मेरे को जो मेरे हैंड से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने बताए हैं सर आपको, आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताएंगे, मैंने आपको पॉइंट बताए आप मेरे को वीडियो बताएंगे कैसा लगा, इसी तरीके के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। सो ये वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से भाई साहब आपका धन्यवाद, थैंक यू।